हाय जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अली सैफ़ी है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक मेरे पास में लैपटॉप है 7000 सीरीज़ का, जो कि डेल का सबसे प्रीमियम कैटेगरी के लैपटॉप्स होते हैं। 7000 सीरीज़ के जितने भी लैपटॉप होंगे वो प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी, जो सबसे मैक्सिमम सबसे हाई एंड जो होती है वो होती है XPS सीरीज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी में आती है। उससे एक स्टेप डाउन जो होता है वो 7000 सीरीज होती है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपको डायरेक्ट मैं लैपटॉप दिखाता हूँ मेरे पास में कौन सा लैपटॉप है। तो मेरे पास में आज लैपटॉप है टच एंड टू इन वन में, तो और बहुत लेटेस्ट लैपटॉप है। i7 इसका प्रोसेसर होगा, i7 में है। और जो 7000 सीरीज होती है वो उसका क्या है, लुक बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, वेट बहुत कम मिलता है आपको, और जो बॉडी चेसिस होता है वो आपको मेटल मिलेगा। 90% आपको जो लैपटॉप मिलेंगे वो मेटलिक फिनिश में होंगे, वो मेटल होंगे, प्योर मेटल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैक पैनल जो आप इसका जो पैनल है ये आप देखोगे पूरा मेटल है। इस साइड में अगर आप देखोगे ये भी पूरा मेटल है। तो जो 7000 सीरीज होती है वो पूरा मेटलिक होती है। और बाकी का मैं ओपन करके एक बार ही दिखा देता हूँ। ये 13.3 इंच है और इसमें कोई बेजल्स नहीं है। टच स्क्रीन जो जितने भी लैपटॉप्स होंगे उनमें कोई बेजल्स नहीं होंगे, और बेजल होंगे तो इनसाइड स्क्रीन के अंदर होंगे, बाहर कोई बेजल्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। और अगर मैं इसके बात करूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन को, मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ जो मेरे पास लैपटॉप है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉडल नंबर क्या है। इसका जो मॉडल नंबर है वो आपका 7386 है, और ये i7 है और डेल इंस्पिरॉन है, ये 7000 सीरीज है। अगर मैं पूरा इसका नाम बताऊँ तो पूरा इसका होगा डेल इंस्पिरॉन 13 इंच 7000 सीरीज टच एंड टू इन वन 7386 7000 सीरीज, जो कि पूरा मेटलिक है। दूसरा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, i7 प्रोसेसर होगा इसके अंदर, 8th जनरेशन होगा। 8th जनरेशन के अंदर आपको मैंने बताया इसके अंदर जो आइसलिक प्रोसेसर मिलेगा, आइसलिक प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड मिलने वाली i7 के अंदर वो आपको मिलेगी इसके अंदर 4.6 GHz तक की क्लॉक स्पीड मिलेगी इसके अंदर। और इसके अंदर आपको 8 MB की कैशे मेमोरी मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप के रैम की, तो रैम इसमें ऑन बोर्ड रैम मिलेगी इसके अंदर, 16 GB ऑन बोर्ड रैम मिलेगी। और ये फिक्स्ड होती है, ऑन बोर्ड होती है, DDR3 LP रैम होती है, इसे LP बोलते हैं। SDRAM जो होती है वो रिमूवेबल होती है, रिमूवेबल नहीं होती, फिक्स्ड होती है ऑन बोर्ड पर एज ए चिप। दूसरा इसके अंदर आप हार्ड ड्राइव आता नहीं इसके अंदर, स्टोरेज के रूप में NVMe आता है, SSD आता है, 512 SSD मिलेगा, और इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं SSD, क्योंकि इसके अंदर आपको एक स्लॉट भी फ्री मिलेगा, यहाँ पर आप अपने SSD इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके अंदर SSD के अलावा आपको इसमें विंडो 10 और MS ऑफिस तो सारे लैपटॉप के अंदर मिलेगा, चाहे वो स्मॉल कैटेगरी में हो, लोअर हो या हायर एंड हो, सारे में आपको MS ऑफिस और विंडो लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ मिलेगा। और इसके अंदर आप अगर इसकी स्क्रीन की बात करें, पहले उसका मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टच स्क्रीन भी है और इसे पूरा फोल्ड कर सकते हैं, पूरा फोल्ड करके इसे यूज कर सकते हैं, फोल्डेबल है। और जब आप इसे फोल्ड करोगे लैपटॉप को, तो पीछे का जो पैनल है, ये कीबोर्ड वाला जो पैनल है, ये आपका पैनल पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है, तो इसका कोई यूज नहीं होता। जैसे बाई चांस आप कहीं रखते हैं तो अगर टच भी हो जाता है ये पैनल, तो आपका यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, ये टैबलेट मोड पर चला जाएगा पूरी तरीके। और इसे आप कई एंगल से यूज कर सकते हैं, ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं अगर मूवी वगैरह देख रहे हैं। और इसका जो स्क्रीन रहेगा वो आपको IPS स्क्रीन मिलेगा, FHD IPS होगा ना 1080p। और पोर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो पोर्ट्स वगैरह नॉर्मल सारे लैपटॉप्स के अंदर मिलते हैं, वो इसके अंदर भी मिलेंगे। USB मिलेगा आपको 3.1 जनरेशन का, जिसकी स्पीड होगी USB की, जो डेटा शेयरिंग है वो 5 GBPS तक की आपको स्पीड मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग हेडफोन का पॉइंट मिल जाएगा ये, और ये आपको मिल जाएगा इधर SD कार्ड के लिए, माइक्रो SD कार्ड। दूसरी तरफ मैं देखूंगा इसके, तो इसके तरफ हेडफोन मिलेगा, HDMI पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर आपको टाइप सी अगेन मिल जाएगा। और देखिए टाइप सी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, इसके अंदर थंडरबोल्ट टाइप सी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो टाइप सी वो मिलेगा वो मल्टी यूज टाइप सी होगा। इससे आप लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं, फास्ट चार्जर का आपको सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर, चार्जिंग का होगा। और इसके अंदर आप डेटा शेयरिंग प्रिंटर सारी चीज़ें इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं आगे, यहाँ तक कि आपको RJ45 भी कनेक्ट करना है तो इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो इसका रहेगा
15,000 के लगभग आपको इजीली मिल जाए, 1,15,000, 1,11,000, इसी रेंज में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जगह अवेलेबल है ये मॉडल। और मैंने आपको बता दिया, लास्ट फिर बता देता हूँ आपको, जो सीरीज है ये 7,000 पूरा मेटलिक होता है और बॉडी चेसिस बहुत स्ट्रांग होता है। और मैं अब कोशिश करता हूँ, आप जितने भी वीडियो में बनाऊँगा वो शॉर्ट में बनाऊँगा, कम चीज़ें बताते हुए आपको शॉर्ट में बनाऊँगा। तो थैंक यू, और लास्ट में मैं इसका पूरा वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जो कि आप पूरी सारी चीज़ें इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ नया जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। अगर कोई भी इसके अलावा अगर आप कोई भी और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आपको डेली डेली अपडेट्स, नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।